हेलो दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं सबको वन बाय वन करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन इज सप्लाइड फ्रॉम ए रिजर्वायर ऑफ कैपेसिटी 5 × 10^6 क्यूबिक मीटर्स एट ए हेड ऑफ 200 मीटर्स। फाइंड द टोटल एनर्जी अवेलेबल इन द किलोवाट आर इफ द ओवरऑल इफिशियंसी इज 75%। तो हमें बताना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो इक्वल टू होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच इंटू इफिशियंसी ओवरऑल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है आपका वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, इसमें जो वाटर यूज हुआ है उसका कितना वेट है और इसको लेना है आपको किलोग्राम में। और एच आपका क्या है, हाइट यानी हेड ऑफ द वाटर, जो वाटर का हेड है वो कितना है और इसको लेना है मीटर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेट तो गिवन नहीं है और एच तो गिवन है। ठीक है, एच देखिए 200 मीटर्स दिया है लेकिन वेट ऑफ द वाटर नहीं दिया है। तो सबसे पहले वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम लोग मास की बात कर लें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लें, तो वॉल्यूम इंटू अगर डेंसिटी करते हैं तो यहाँ पे आ गया आपका मास। अब इस मास को अगर जी से मल्टीप्लाई कर दें तो यही आपका बन जाएगा वेट ऑफ द वाटर यानी डब्ल्यू। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम देखिए कितना गिवन है, यहाँ पे दिया है 5 × 10^6 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर्स में दिया है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो किस में आ जाएगा, देखिए 5 × 10^6 क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब। अब देखिए डेंसिटी की बात कर लें तो ये कितनी है, 1000 होती है, 1000 kg/m³। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर 1 m³ का वाटर है तो इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 1000 kg। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो देखिए यहाँ पे मास ये है और वॉल्यूम ये है 1 m³, तो इसकी डेंसिटी आ जाएगी 1000 kg/m³। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 9.8 से। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया न्यूटन। अब यहाँ से देखिए मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे केजी बचेगा और इसकी यूनिट बचेगी 9.8 की m/s². ठीक है, अब बात कर लें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू आपका फिर से वही डब्ल्यू एच एंड ईटा। ठीक है, डब्ल्यू एच ईटा, कौन सा ईटा, ओवरऑल इफिशियंसी लेना है। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 10^6 इंटू यहाँ पे 9 कर सकते हैं 10^6 और ये 30 है तो इसको हम कर देते हैं 10^9। ठीक है, 5 × 10^9 इंटू 9.8, ये हो गया आपका W की वैल्यू। H की वैल्यू गिवन है 200 मीटर्स और इफिशियंसी देखिए यहाँ पे गिवन था 75%, तो 75 को परसेंटेज में लिखा है तो वैल्यू में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.75। ठीक है, अब इसकी क्या यूनिट आई, ये आ गया आपका वॉट सेकंड में। ठीक है, वॉट इंटू सेकंड। अब हमें बताना है किलोवाट आर में, तो क्या करना पड़ेगा, 5 × 10^9 इंटू 9.8 इंटू 200 इंटू 0.75, वैल्यू तो वही रखा हमने। अब देखिए यहाँ पे वाट है तो किलोवाट में बनाना है तो क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये सेकंड है, इसको आर में कन्वर्ट करना है तो सेकंड से पहले मिनट में करेंगे तो 60 और फिर मिनट से आर में करेंगे तो फिर से 60 से डिवाइड करना होगा यानी 3600 से भी कर सकते थे डायरेक्ट। अब इसकी क्या यूनिट आ गई, किलोवाट आर में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.044 × 10^6 किलोवाट आर। तो ये आपकी आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों, कि कितना ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो करना क्या है, आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका जो आंसर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।